हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHU वर्ल्ड। मैं आप लोगों को आज BHU के BSc की पूरी जानकारी देने जा रहा हूं और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं। ये चैनल हमारा BHU के आने वाले जितने भी एंट्रेंस हैं सबकी पूरी जानकारी देगा आपको और इसकी सही सही इन्फॉर्मेशन देगा कि BHU में एंट्रेंस का लेवल क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और BHU का सिलेबस क्या है। तो फ्रेंड्स, आइए हमारी BSc की जर्नी पे हम चलते हैं। हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये एशिया का नंबर एक का विश्वविद्यालय है फ्रेंड्स और मालवीय जी के संरक्षण में यह विद्यालय तैयार हुआ है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गेट आपके सामने है और फ्रेंड्स, मैं आज आपको BHU के BSc के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैथ्स ग्रुप के बारे में बताऊँगा मैं आपको और बायो ग्रुप के बारे में और एग्रीकल्चर ग्रुप के बारे में और फ्रेंड्स नर्सिंग ग्रुप के बारे में। फ्रेंड्स, ये BHU BSc मैथ्स ग्रुप की हम बात करते हैं। BHU BSc मैथ्स ग्रुप जिनमें आपके चार सेक्शन होते हैं, मैथ तीन सेक्शन होते हैं फ्रेंड्स। मैथ सेक्शन आपका होगा, फिजिक्स सेक्शन होगा, केमिस्ट्री सेक्शन होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जानी जाती है यहाँ पे। ये 460 सीट्स होती हैं जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, इनमें दोनों आ सकते हैं मेल एंड फीमेल। और महिला महाविद्यालय BHU के अंदर ही है, 77 सीट्स केवल फीमेल्स के लिए रिजर्व है यहाँ पे। फ्रेंड्स, जो इनमें पूछा जाएगा आपका 10+2 का ही लगभग क्वेश्चन पूछा जाना है, तो इसमें बिल्कुल भी हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है जैसा स्क्रीन पे आप लिखा पा रहे हैं। वन 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। फिफ्टी क्वेश्चंस ईच से आने वाले हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं BHU BSc बायो ग्रुप की। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। 307 सीट्स यहां पे होती हैं मेल एंड फीमेल दोनों के लिए और महिला महाविद्यालय में केवल महिलाओं के लिए 154 सीट्स रिजर्व्ड हैं। फ्रेंड्स, BHU BSc बायो ग्रुप की बात करें तो इसमें तीन सब्जेक्ट्स मेनली हैं जिनमें आपको 150 मिनट मिलेंगे तीनों सब्जेक्ट्स को टैकल करने के लिए। थ्री मार्क्स पर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, 450 मार्क्स टोटल नंबर ऑफ मार्क्स और ये 10+2 बेस्ड है पूरा एग्जामिनेशन आपका बायो ग्रुप का और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूछा जाने वाला है और 50 क्वेश्चंस इस सेक्शन से भी आएंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं BHU BSc एग्रीकल्चर ग्रुप की बात। अब इसमें हम नंबर ऑफ सीट्स बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि कितने नंबर ऑफ सीट्स यहां पे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। एक सौ तेईस सीटें हैं फ्रेंड्स
जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट आ सकते हैं। और इसकी एक ब्रांच और है RGSC, राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि मिर्जापुर बरकछा में है, उसमें 40 सीट्स अवेलेबल हैं, 25 से 40 सीट्स फ्रेंड्स होती हैं, मैक्सिमम 40, मिनिमम 25। फ्रेंड्स हम बायो ग्रुप की, फ्रेंड्स हम एग्रीकल्चर ग्रुप की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 120 मिनट्स आपके पास रहेंगे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। पर क्वेश्चंस 3 मार्क्स के रहेंगे, 300 मार्क्स। फ्रेंड्स इसमें ए बी सेक्शन कंपलसरी है और सी डी ई में से किसी एक सेक्शन को करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अब आप बात करते हैं BHU BSc नर्सिंग ग्रुप की। फ्रेंड्स इसमें नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें नंबर ऑफ सीट्स 100 हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स आ सकते हैं। जनरल की 50 सीटें, ओबीसी की 27, एससी की 15 और एसटी की 8 सीटें। फ्रेंड्स इसकी बात हम करें अगर एग्री इसमें नर्सिंग की बात करते हैं तो इसमें 4 इयर्स आपकी तो स्टडी चलेंगी और 1 ईयर आपका यहां पे प्रैक्टिस चलेगा BHU में ही, इसके हॉस्पिटल में 5 ईयर का ये फुल्ली कोर्स है। 100 MCQs टाइप क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, जिसमें आपको 2 आवर्स मिलेगा और पर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के रहेंगे, 400 मार्क्स, और इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स ये स्ट्रेटजी मेरे और मेरे दोस्त के द्वारा बनाई गई है कि आप लोग किस प्रकार से परेशानी ना हो BHU BSc के बारे में, इसमें मैंने पूरी डिटेल्स दे दी हैं और आगे मैं इसकी पूरी स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ज़्यादा गेन करें। ये फ्रेंड्स मैं और ये मेरा फ्रेंड विनय प्रभात राणा। फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे की डिटेल्स हमसे लेते रहें। कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारे चैनल का इमेज है और ये BHU वर्ल्ड के नाम से हमारा चैनल है, आप इसे YouTube पे सर्च कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी मेरे पूरे वीडियो में देख लिया कि BHU में BSc के मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप और एग्रीकल्चर और नर्सिंग, मैंने सभी की पूरी डिटेल्स जो थी दे दी हैं, विथ सीट्स, कितनी सीटें हैं। अब मैं उसके बारे में जो बारीकी डिटेल्स हैं मैं उसको बताने जा रहा हूं आपको। फ्रेंड्स BSc मैथ ग्रुप एंड बायो ग्रुप की हम बात करते हैं, ये हमें 2.5 घंटे मिलेंगे, मतलब 150 मिनट मिलेगा ये अटेम्प्ट करने के लिए। हमें 150 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 450 मार्क्स के हमारे बनेंगे। और मैथ ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, मैथ ग्रुप से 50 आएगा, फिजिक्स से 50 आएगा, केमिस्ट्री से 50 आएगा, इस प्रकार 150 क्वेश्चंस मैथ ग्रुप के बनेंगे जो कि 450 मार्क्स के होंगे। और बायो ग्रुप की बात करें तो ये मैथ वाला सेक्शन जो है ये हट जाएगा और ये तीनों सेक्शन हो जाएगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये बायो ग्रुप का हो जाएगा और ये भी 150 क्वेश्चंस का होगा जो 450 मार्क्स के आपके होंगे। फ्रेंड्स इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, 150 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, 150 मिनट, वो भी कितने क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस टैकल करने हैं। फ्रेंड्स 150 क्वेश्चंस आपको टैकल करने हैं, तो ये मान के चलिए 150 मिनट जो आपको मिल रहा है उनमें से आपसे 10 से 20 मिनट लॉस होना है। तो आप ये मान के चलिए कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको
महज 45 सेकेंड है मिलेगा, 45 सेकेंड। तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर भी आपको 45 सेकेंड मिल रहा है तो आपको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे? अगर हम मैथ ग्रुप की बात करते हैं तो मैथ ग्रुप में मैं यही कहूंगा कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री थ्योरिकल होते हैं। थ्योरी पे आप जब ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो आपको नंबर तो उतने ही मिलने वाले हैं, 3 नंबर ये क्वेश्चन के पीछे मिलेगा, मैथ करने में ज्यादा समय आपका जाएगा। ठीक, तो मैं आपको यही कहूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में पहले फोकस करना जो आपकी बेटर होगी, इसके बाद थर्ड प्रेफरेंस देना मैथ को, जिससे कि आपका ये सेक्शन जो है इसको पहले कभी मत सॉल्व करना बीएससी के एग्जाम देने में, इस सेक्शन को बाद में रखना। और इन दोनों सेक्शन को कोशिश करना कि 45 सेकंड से अंदर में, जैसे 30 सेकंड्स में थारोली पढ़ो और तुरंत जवाब दे दो, इस प्रकार से इसको अटेम्प्ट करना। और मैं बायो वाले के बारे में खास बात बताता हूँ कि ये तीनों एक तरीके से थ्योरी 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 हो गए अधिकतर, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल भी आएंगे अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो उतने ज्यादा क्वांटिटी में न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाले, बड़े आसान से न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। और इन सब ग्रुप की बात करो तो मैं आपसे बायो ग्रुप वालों के लिए एक खास बात कहूंगा कि आप पहले बायो अटेम्प्ट करो, क्योंकि बायो पूरा थ्योरिकल है, उसमें आपके न्यूमेरिकल नहीं चलने वाले। तो मैं आपसे कहूंगा पहले आप फर्स्ट प्रेफरेंस अपने बायो को देना, सेकंड प्रेफरेंस इन दोनों में से किसी को भी आप दे सकते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आपकी बेटर हो। और ज्यादा ज्यादा राइट अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करना फ्रेंड्स, ये नहीं कि आप बैड अटेम्प्ट्स के चक्कर में फंस जाओ, नहीं, जो भी करना सही करना, गलत बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कंसीडर है, छोटा सा समय मिला है आपको, उसी के समय में जैसे 45 सेकंड है, तो इसमें ही आपको राइट अटेम्प्ट पे फोकस करना। अगर कोई दिमाग में पजल आ गया क्वेश्चन का कि अब हट ले लिए कि मैं ये क्वेश्चन करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करना फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ और उस क्वेश्चन पे बिल्कुल भी फोकस मत करना। और ओमार भरते समय ये याद रखना कि अगर एक सेक्शन आपने ओमार भरा है, दूसरे में आप देख रहे हैं कि उस ये मेरा गलत हो गया, तो उसी लाइन में एक ओमार और भर देना, जिससे कि क्या होगा आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नहीं तो आप निगेटिव मार्किंग के चक्कर में फंस जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, और निगेटिव हो ही ना इसका पूरा ख्याल रखिएगा कि आप ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट पे अपने फोकस कीजिए। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इसमें 150 क्वेश्चंस हैं, तो आप कम से कम इसमें 300 क्वेश्चन जो इसके 150 हैं, 100 क्वेश्चंस राइट अटेम्प्ट कीजिए फ्रेंड्स, जिसे 300 मार्क्स आपको मिल जाए और आप एक तरीके से सेफ जोन में पहुंच जाए। आप ये पूरे करने की कोशिश कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर ग्रुप की, इसकी सीट्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, कुछ ज्यादा सीट्स नहीं है, सीट्स इसके कैंपस में भी हैं और राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी हैं। और राजीव गांधी साउथ कैंपस की बात बताऊं, वहां पर आपको क्या कहते हैं, सीट लेने के लिए पहले पेड सीट का पेमेंट करना पड़ेगा 25,000 प्लस आपको जो सीट्स मेंस द्वारा डिसाइड होती हैं जितने अमाउंट की, उसको भी ऐड करके आपको देना पड़ेगा। हम एग्रीकल्चर के बारे में बता दें, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 120 मिनट, इसमें 5 सेक्शन होते हैं फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चंस होगा, 300 मार्क्स का पर क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे, पेपर में 200 क्वेश्चंस आएंगे आपके, मगर आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 100 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से पहला और दूसरा सेक्शन जो रहेगा वो कंपलसरी रहेगा, 25-25 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो कंपलसरी रहेंगे, और बाकी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो आपका सेक्शन है इनमें से किसी एक को आपको करना है, किसी एक सेक्शन को सॉल्व करना जो कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इस प्रकार से आपके 25-25 और प्लस 50 ये 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं 300 मार्क्स के लिए। इसमें आप फ्रेंड्स कोशिश करिएगा कि अगर एग्री बीएचयू की एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, तो इसमें फाइट्स काफी अच्छी खासी होने वाली है, तो ज्यादा ज्यादा राइट अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा थ्योरिकल सब्जेक्ट है, इसमें पूरा थ्योरिकल सब्जेक्ट है, इसको ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट करने की राइट अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और समय को बिल्कुल ना बर्बाद कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कॉन्स्टेंट, इसमें बहुत छोटा समय मिला हुआ, मगर राइट पूरा फोकस कीजिएगा अपने समय को। और अब हम बात करते हैं बीएससी के नर्सिंग की फ्रेंड्स, बीएससी के नर्सिंग के बारे में आपको बता दूं, 2 घंटे आपको मिलेंगे, मतलब 120 मिनट मिल रहा है, जिसमें से आपके 4 सेक्शन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी, 25 क्वेश्चन ईच होंगे, जिनमें से आपके 4 नंबर मिलेंगे पर क्वेश्चन पे, अगर आप राइट अटेम्प्ट करते हैं तो, इस प्रकार से आपके 400 मार्क्स हो जाते हैं। और मैं इनके बारे में खास बता दूं, इनमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, आप ये मत डरिएगा, नर्सिंग अगर बीएचयू का आप नर्सिंग दे रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप निगेटिव का भय खत्म कर दीजिए अपने दिल से, मगर कोशिश कीजिए कि राइट अटेम्प्ट कीजिए, हाँ उसके समकक्ष जाने की कोशिश कीजिए, जैसे क्वेश्चन आपको मिला है दिमाग में,
अब जो चल रहा है, चार ऑप्शंस मिले हैं, चार में जब सबसे राइट ऑप्शंस होगा उनको आप फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस हिसाब से मैं इसको चारों ग्रुप के बारे में आपको बता दिया, और मेरे आप यही विषय कि आप सबसे ज्यादा राइट हैंड पे फोकस करें, कभी भी गलत करने की कोशिश ना करें, इससे आपकी हैबिट अच्छी होगी और आपके क्वेश्चंस हमेशा अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, स्वच्छता की ओर बढ़ें और स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ें, एक कदम स्वच्छता की ओर। थैंक्स।